ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। ऑर्बिटर ने थर्मल इमेज कैमरे से विक्रम की तस्वीर ली है। फिलहाल अभी कोई कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाया। विक्रम लैंडर लैंडिंग वाली तय जगह से 500 मीटर दूर पड़ा है। अब इसरो वैज्ञानिक ऑर्बिटर के जरिए विक्रम लैंडर को संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका कम्युनिकेशन सिस्टम ऑन किया जा सके। आपको बता दें कि शनिवार को तड़के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान आखिरी वक्त में लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूटा था। लैंडिंग से तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुका था। लंबे समय से बीमार चल रहे मशहूर वकील राम जेठमलानी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस 95 साल की उम्र में ली। 100 दिन पूरे होने पर आज बीजेपी रिपोर्ट कार्ड जारी कर चुकी है। सरकार की ओर से 100 दिनों की उपलब्धियों पर भी बात की गई है। मोदी सरकार नए जल जीवन मिशन के तहत अगले 5 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस योजना के जरिए 2024 तक हर ग्रामीण के घर में नल से पानी मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित आर्थिक सुधार जारी रखकर ही रणनीति बनाकर भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था मिल सकती है। एनआरसी लागू होने के बाद पहली बार अमित शाह आज गुवाहाटी पहुंचे। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक में वो शामिल भी हुए जहां पर सभी 7 राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल मौजूद रहे। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपनी उपभोक्ता, व्यापारी और डिलीवरी पार्टनर सपोर्ट टीम से करीब 10% स्टाफ की नौकरी ले ली है, यानी कि छीन ली है। कंपनी ने इसके पीछे जोमैटो प्लेटफॉर्म पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को शामिल करने की वजह बताई है। कर्नाटक के हुबली में बाढ़ और लगातार बारिश की वजह से लोग हैरान परेशान हैं। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। एक निजी टीवी चैनल कलर्स पर प्रसारित किए जा रहे सीरियल राम सिया के लव कुश में भगवान वाल्मीकि की जीवनी को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के विरोध में जालंधर में वाल्मीकि समुदाय के लोग आज सड़कों पर उतर आए। सीरियल बंद करने की मांग भी की उन्होंने। पॉपुलर ऑनलाइन रेफरेंस वेबसाइट विकिपीडिया दुनिया के कई देशों में डाउन हो गई है। कंपनी मैलिशियस अटैक का टारगेट बनी है। विकिपीडिया के सर्वर विकिपीडिया फाउंडेशन पर डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हुआ। वेबसाइट के जर्मन अकाउंट ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। लखनऊ में IIM के परीक्षा कक्ष में सेशन सत्र की शुरुआत हुई है। इसमें योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। परीक्षा क्लास में सभी मंत्री मौजूद रहे। इसके पहले सभी मंत्री 5 कालिदास मार्ग भी पहुंचे थे। सीएम के सामने हाजिरी भी लगाई, फिर बसों से IIM के लिए रवाना हो गए। यूपी के शाहजहांपुर में एक बेकाबू टेम्पो ने 2 बाइकों को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार छात्रा की मौके पर मौत और इसके साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बागपत में नेशनल शूटर दादी चंद्रू तोमर के इलाज का खर्च अब प्रदेश की योगी सरकार उठाएगी। प्रमुख सचिव ने डीएम बागपत को लेटर लिखकर उनके इलाज कराने और इलाज के लिए तमाम सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए। आगरा में बोरिंग का पाइप हाईटेंशन लाइन से टकराने से हादसा हो गया। हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए भर्ती किया गया। मामला सुखपुरा थाना क्षेत्र के तोड़ा गांव का। लखनऊ में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया IIM में अनुभव लेने पहुंची। कटारिया ने इन इनिशिएटिव्स के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। मथुरा में पति ने पत्नी के साथ विवाद के चलते परेशान होकर फांसी लगा ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इसमें 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हो गया। बदमाश के पास से 1 तमंचा, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की गई। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र के खजुही गांव में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने वृद्ध महिला को गोली मार दी। महिला की गंभीर हालत में
अस्पताल उसको तुरंत रेफर किया गया जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अभी भी सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आगरा में बेगुनाह को 3.5 साल बाद न्याय मिला है। जहां बेगुनाह ने जीजा की हत्या के आरोप में सजा काटी है, आरोपी पंकज शर्मा सहित जो सभी आरोपियों को बरी किया गया। मामले पर हाईकोर्ट ने एसएसपी को कार्रवाई का आदेश भी दे दिया। लखनऊ में युवक ने अपनी सास की गोली मारकर हत्या कर दी, इसके बाद खुद को भी गोली से उड़ाया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, सास की हालत गंभीर है। मामला गोमती नगर विस्तार का है। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव चूल्हावली में युवक की गांव के ही लोगों ने हत्या कर दी, इसके चलते घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस की बड़ी लापरवाही बताते हुए थाने के सामने सड़क पर शव रखकर हंगामा भी किया। बलरामपुर में मुस्लिम समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा छेड़े गए स्वच्छ भारत अभियान को अमली जामा पहनाने का बीड़ा उठा लिया। साथ ही धार्मिक आपको बता दें जगहों पर जुलूसों में मुहर्रम और कमेटियों में स्वच्छता के प्रचार के लिए शहर के मामबाड़ों धार्मिक स्थलों पर स्लोगन भी लिखा गया। गाजीपुर में पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों में मारपीट हो गई, इसका वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट में पुलिस बीच बचाव करती रही लेकिन मामला थाने का नाम नहीं लिया। लखीमपुर खीरी में बस से लटक कर जान जोखिम में डालकर छात्र सफर कर रहे हैं, अधिकारियों को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हरदोई में संदिग्ध हालत में छात्रा की मौत का मामला सामने आया, जहां परिजनों ने छात्रा की गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है, साथ ही सड़क पर जाम भी लगाया। एसडी कॉलेज के प्राचार्य पर भी मुकदमे की मांग की। बाराबंकी में प्रतिबंधित पेड़ों की कटाई चल रही है, वन विभाग और ठेकेदारों की मिली भगत से प्रतिबंधित जो पेड़ उनकी कटाई की जा रही है और मिली भगत से पूरा काम हो रहा है। शामली में किशोरी से तमंचे के बल पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, गांव के ही दबंग युवक ने किशोरी को आतंकित करते हुए उसके घर में घुसकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद आरोपी पीड़िता को मुंह खोलने पर उसके भाई की हत्या करने की धमकी देते हुए फरार हो गया। मुजफ्फरनगर में दहेज को लेकर विवाद होने पर दबंगों ने युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, इसमें लड़की के चाचा को गोली भी लगी। परिजनों का लड़के पक्ष के 4 लोगों पर गोली चलाने का आरोप भी है। गाजीपुर के जंगीपुर थाना क्षेत्र के शहादतपुर गांव में एक युवती ने प्रेमी द्वारा शादी से इनकार किए जाने पर खुद को आग के हवाले किया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती किया जहां उसने दम तोड़ा। झांसी में मोठ थाना क्षेत्र के अमरा गांव में सड़क किनारे रखे बिजली के ट्रांसफार्मर और केबल में अचानक भीषण आग लग गई है, घटना की जानकारी बिजली विभाग को भी दी गई है। लखनऊ में मुहर्रम के मौके पर इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम की याद में जुलूस बड़े इमामबाड़े से निकाला गया है। फिरोजाबाद के थाना टुंडला के गांव चूल्हावली में दो पक्षों में मारपीट हुई, एक युवक की हालत गंभीर और पुलिस ने शिकायत दर्ज करके घायल को अस्पताल में भर्ती किया जहां उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने कोतवाली के सामने शव रखकर प्रदर्शन भी किया। हापुड़ में पूर्व प्रधानाध्यापक मुनीन्द्र सिंह और सहायक टीचर में विवाद हुआ, इसके चलते बीएसए के प्रधानाध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही महिला सहायक अध्यापिका को भी प्रधानाध्यापक पर जातिसूचक शब्द और अभद्रता करने के आरोप लगे। कुशीनगर में बदमाशों ने व्यवसायी पर फायरिंग कर दी है, व्यापारी को बदमाशों ने 4 गोली मारी, इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया जहां गंभीर हालत होने के कारण उसे गोरखपुर रेफर कर दिया गया। मौके पर एसपी ने मामले की जानकारी भी ली। अयोध्या में मध्य प्रदेश के भोपाल से हजारों की संख्या में खुद को श्री राम का वंशज बताने वाले लोग अयोध्या पहुंचे, श्री राम के नारे के साथ रामलला का दर्शन भी कर रहे। ग्रेटर नोएडा में हरियाणा से दूध की गाड़ी में लाई जा रही शराब पुलिस ने पकड़ी है, साथ ही एक शराबी तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई शराब की लाखों रुपए की कीमत है। लखनऊ के राजाजीपुरा में सेक्टर ई से संदिग्ध परिस्थिति में लड़की लापता हो गई है, परिजनों ने अपहरण की आशंका जता दी है। लड़की घर से साइकिलिंग के लिए निकली थी, साइकिल घर के पास मिली है। मुरादाबाद के संदलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में किसान की मौत हो गई है, घर में शव पड़ा हुआ मिला, किसान के शरीर पर चोट के निशान भी हैं, शराब का आदि बताया जा रहा है मृतक किसान। गुना में फर्जी शिक्षकों की तैनाती का मामला सामने आया, आपको बता दें कि 96 घंटे से फरार फर्जी शिक्षक नर्मदा चंद्रयान
दर्ज कराने भी नहीं आए। बाराबंकी में गोंडा हाईवे के विलायंस पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार पिकअप खड़े ट्रक में जा घुसी, टक्कर से पिकअप के परखच्चे उड़े, हादसे में पिकअप का ड्राइवर बाल बाल बच गया। लखीमपुर खीरी के मितौली के पशु आश्रय केंद्र लोहन्ना में पशु आश्रय स्थल में अव्यवस्थाओं की भरमार है। चारा और पानी के अभाव में मवेशी तड़प रहे हैं, भूख प्यास से कई जानवरों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बुलंदशहर में झमका फ्लाईओवर के निकट गाय राहगीरों से उसकी टक्कर हुई। आपको बता दें, गाय को रोड पर उत्पात मचाता भी देखा गया। ललितपुर के महिला चिकित्सालय में एक प्रसूता की प्रसव के बाद मौत हो जाने से परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर रुपए मांगने और लापरवाही का आरोप भी लगाया। आरोपी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस बात की शिकायत की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। लखीमपुर में एक किसान की बेटी आराध्या वर्मा तीसरी कक्षा की छात्रा ने जनरल नॉलेज में महारत हासिल कर ली है, जिसकी अब वाहवाही हर जगह हो रही है। गाजीपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है। दिल्ली के नरेला में गैंगवार वीरेंद्र मान पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। वीरेंद्र मान को 18 गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ललितपुर में किशोरी को बंधक बनाकर बलात्कार कर चोरी की गई, इसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद पुलिस छानबीन में जुटी है। लखनऊ में पुलिस और फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन की रिक्रिएशन किया गया। आपको बता दें कि 1 सितंबर को लाइसेंसी पिस्टल को आईएएस की पत्नी अनीता की मौत हो गई थी और अब उसी के बाद ये जांच पड़ताल की जा रही है। मौके चिरैया कोर्ट थाने में असलपुर में ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों ने रोड पर जाम लगाया, मौके पर भारी फोर्स तैनात रही। बाराबंकी में एसओजी और मोहम्मदपुर खाला पुलिस की संयुक्त टीम ने कालाबाजारी कर रहे मिट्टी तेल बनाने वाले गिरोह को पकड़ा है। मौके पर 4 आरोपी सहित तेल से भरे 22 ड्रम, 16 खाली ड्रम बरामद हुए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस स्टैंड पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक से हरियाणा से बिहार ले जा रही थी भारी मात्रा में शराब थी और पकड़ी गई है वो। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान के साथ शांति वार्ता को रद्द करने की घोषणा कर दी है। ट्रंप ने फैसला काबुल कार बम ब्लास्ट की वजह से लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई ट्वीट करते हुए शांति वार्ता रद्द करने की बात कही। साथ ही अपने एक ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान के प्रमुख नेता और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी कैंप डेविड ने उनसे अलग बैठक में मिलने के लिए कहा था, लेकिन अब वो ये वार्ता रद्द कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि काबुल में हुए हमले में हमारा एक महान सैनिक और 11 अन्य लोग मारे गए। मैंने तुरंत मीटिंग रद्द कर दी है, शांति वार्ताओं में हम नहीं जाएंगे। पाक ने एक बार फिर से अपनी असलियत दिखा दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विमान के लिए एयर स्पेस खोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि राष्ट्रपति कोविंद जो है वो 9 सितंबर को आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और स्लोवेनिया के 8 दिवसीय दौरे पर जाने वाले थे। रेहम मिस्रो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रेहम खान ने पाकिस्तान पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैंने भारत चंद्रयान 2 से लैंडर विक्रम की चांद पर विफल लैंडिंग पर कमेंट करने से खुद को बहुत रोका। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे इकलौते टेस्ट मैच के तीसरे दिन नबी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में इंग्लैंड के क्रिकेट फैंस वार्नर के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही उन्हें धोखेबाज भी कह रहे हैं। इस वीडियो में कंगारू टीम ड्रेसिंग रूम से मैदान पर जाती दिख रही है। इसमें जैसे ही वार्नर सीढ़ियों से उतर रहे हैं, वैसे ही इंग्लैंड के एक फैन ने उन्हें चीटर बताया है, साथ में गाली भी दी है।
यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में युवा जोश की जीत हुई है। अनुभव बाजी मारने से चूक गया। अमेरिकी दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स 24वां ग्रैंड स्लैम का खिताब अपने नाम नहीं कर पाई। आपको बता दें कि यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में रोमांचक मुकाबले में कनाडा की बियांका इंड्रेस्क्यू ने इतिहास रचते हुए सेरेना विलियम्स को हरा दिया है। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के हमेशा से क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर से तुलना की जाती है। इसका कारण है कोहली की बेहतरीन बल्लेबाजी। कोहली ने हालांकि हमेशा इस तुलना से दूरी बनाए रखी और कहा कि सचिन उनके बचपन के हीरो हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कोच अनिल कुंबले ने कहा है कि इस बात का पक्का यकीन नहीं है कि दिग्गज क्रिकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी मौजूदा टीम में जगह पाने के दावेदार हैं। ऐसे में चयनकर्ताओं को उनके भविष्य को लेकर चर्चा करनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर ऋषभ पंत के ऊपर बल्ले से बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि चयनकर्ताओं की नजर में जहां दो विकेटकीपर यानी कि ईशान किशन और संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए जगह बनाई है, वैसे में ऋषभ पंत के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की महिला टी20 टीम में 15 साल की शिफाली वर्मा को शामिल किया गया। शिफाली को अनुभवी खिलाड़ी मिताली राज की जगह चुना गया। बाहुबली प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। फिल्म ने कमाई के नए नए रिकॉर्ड स्थापित कर दिए। प्रभास और श्रद्धा कपूर की फिल्म साहू का क्रेज दूसरे हफ्ते भी लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि मां बनना उनकी टॉप लिस्ट में शामिल है और उन्होंने इंटरनेशनल फैशन मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात कही है। इस बातचीत के दौरान प्रियंका ने यह भी कहा कि उनके घर में जहां वो रहती हैं वहां वो खुश रह रही हैं। उनके आसपास लोग जो हैं वो काफी अच्छे हैं, उनका ध्यान रखो। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने साल 2018 में फिल्म केदारनाथ से डेब्यू किया था। इस फिल्म में सारा के अपोजिट सुशांत सिंह राजपूत थे। ऐसा बताया जाता है कि शूटिंग के दौरान सारा और सुशांत के बीच काफी करीबियां थी। फिल्म रिलीज होने के बाद भी दोनों ने कुछ वक्त साथ में बताया, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन इस बात का गुस्सा अब तक सुशांत में है, क्योंकि उन्होंने सारा के साथ काम करने से साफ इनकार किया है। चंद्रयान 2 की उपलब्धि पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक से देखी नहीं जा रही है। बदजुबानी के लिए मशहूर वीना ने एक बार फिर जहर उगलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भारतीयों ने सबक सिखाया। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान भी अब सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, लेकिन ऐसे में सोशल मीडिया पर उनकी फोटोज और वीडियोस तेजी से वायरल भी होती दिख रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान पढ़ाई करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गई है। ऐसे में वहां पर सुहाना ने नए दोस्त बनाए जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम का चांद पर उतरते समय इसरो से संपर्क टूटने के बाद बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जो अनुपम खेर, उन्होंने प्रयास की सराहना भी की है और बेहतरी के लिए उम्मीद भी जताई है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान बारिश के बीच साइकिल से शूटिंग करने निकले। सलमान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि वो फिल्म दबंग 3 की शूटिंग के लिए साइकिल से जा रहे हैं। पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह अपनी लव लाइफ को लेकर इन दिनों चर्चा में है। मोना सिंह पिछले एक साल से किसी साउथ इंडियन को डेट कर रही हैं। दोनों अपने रिलेशन को लेकर काफी सीरियस हैं और जल्द शादी कर सकते हैं। टीवी एक्ट्रेस प्रिया आहूजा इन दिनों प्रेगनेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं। ये उनका फर्स्ट बेबी है। बेबी को लेकर प्रिया बेहद खुश और उत्साहित नजर आ रही है। राखी सावंत का नया गाना यानी कि छप्पन छुरी रिलीज हो चुका है। डांस को काफी पसंद भी किया गया उनके। छप्पन छुरी के लॉन्च इवेंट में राखी सावंत बेज कलर के शिमरी ड्रेस में पहुंचे। यूजर्स ने राखी को उनके ड्रेस के लिए ट्रोल भी किया। चिदंबरम कारनामे दिखाने लगे हैं, देश को ही ये चूना लगाने लगे हैं। देख करके कमाई साहब की हम भी गमले में गोभी उगाने।